मंगलवार को सिविल लाइन स्थित वसंतराव देशपांडे सभागृह में दलित पैंथर स्वर्ण महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले उपस्थित थे। दलित पैंथर किसी एक समाज पर हो रहे अत्याचार के लिए नहीं, बल्कि बाबा साहब के मूल मंत्र के अनुसार मानव समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाला संगठन रहा है। रिपब्लिकन एकता के लिए दलित पैंथर को बर्खास्त करना पड़ा था, किंतु अब कार्यकर्ताओं में फिर एक बार इसे खड़ा करने की चाह है। इसे देखते हुए दलित पैंथर का सफर फिर शुरू करना जरूरी लगता है। यह प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने किया। कार्यक्रम में अध्यक्षता भूपेश भूलकर ने की। अर्जुन डांगले, अविनाश महातेकर, राजा सर्वदे, दिलीप जगताप, दिवाकर शेजवल, राजन वाघमारे, विनोद थूल, बालू धड़े आदि कार्यक्रम में उपस्थित थे। या शहरातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संगोलीचा धर्मांतराचा कार्यक्रम नागपूर शहरामध्ये रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना आणि नागपूरला बौद्ध विचाराचा वारसा असल्यामुळे आज या ठिकाणी होणाऱ्या या सुवर्ण महोत्सवाच्या कार्यक्रमाला एक आगळं महत्व आहे। पॅंथरची जी मुवमेंट होती, या पॅंथरच्या मुवमेंटला नागपूरकरांचं फार महत्त्वाचं कार्य झालेलं आहे। पक्षाचे नेते आणि दलित पॅंथर चळवळीच्या संस्थापकापैकी एक अर्जुनजी डांगळे, आमचे मित्र दिलीप जगताप, गौतम सोनवणे, पत्रकार शेजवळ साहेब, विदर्भाचे नेते इंद्रजी बनसोड, सुधाकरजी चायडे, दयाळजी बहादुरे, संयोजक समितीचे सर्व सदस्य उपस्थित, बंधू आणि भगिनी, या ठिकाणी नागपुरामध्ये ज्यांचा दलित पॅंथरमध्ये सहभाग होता, यांनी दलित पॅंथरमध्ये काय काय काम केलं अशा लोकांचा, अशा कार्यकर्त्यांचा सत्कार या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। NBCN न्यूज के लिए अजित कुवर के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।